नहीं मम्मा बोली आप बिना ये चैप्टर आज आज का है आज नहीं यू नो नो बिकॉज़ ये मेरे अजी से मुझे एक एक वर्ड उसका याद है। हाँ तो और आसान है ना। नहीं मुझे हिंदी का एक एक वर्ड याद है जो एक चैप्टर ही मुझे करना रहता है वो भी अजी से लिख के प्रैक्टिस करना रहता है। जानते मैंने क्या क्या किया? मैंने किया कठिन शब्द किया उसका शब्दार्थ किया फिर क्वेश्चन आंसर किया फिर दीर्घ कार्य किया। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुमने बोला तुमने SST पढ़ लिया है। SST का एक चैप्टर सुनाओ और खेलने को जाओ। मैं जाऊंगी एवरी डे ऑन योर रूल बेसिस आई कांट गो। तो मत जा फिर हो गया फिर अगर तुम्हें अपने अनुसार चलना है तो चलो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मम्मा के मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा एक मील स्किप करूंगा। अच्छा आज अगर तुम चली गई बिना सुनाए SST तो मैं आज लंच डिनर नहीं करूंगा। हाँ तुम अगर स्किप करोगे तो फिर तो वही होगा फिर देन आई मे नॉट कम बैक टू होम एट ऑल। आई विल नॉट कम बैक। ये सब नहीं चलेगा पापा। मैं कुछ तुम्हें पढ़ा वाला चैप्टर ही सुना दो। SST का कोई भी एक चैप्टर पढ़ा वाला ही सुना दो जो आता है। मम्मा एक चैप्टर एक मेरे पास अभी तुम सुबह बोली होती तो मैं सुना देती। अभी तुम्हें मैंने 3:15 में बोला है एंड यू स्टिल हैड टाइम। अभी भी टाइम है तुम अगर बैठ जाओगी तो एक्चुअली तुम्हें पढ़ा हुआ है वो अभी भी कंप्लीट कर सकती है। तुम जाओ बैठ के भाई अभी SST के बदले कोई और सब्जेक्ट डाल दो। SST में बहुत आते हैं बाकी सब्जेक्ट्स भी है उसे पीछे मत छोड़िए। बाकी सब्जेक्ट्स में से भी कुछ दे दीजिए जैसे कि वो बोली है ना कल इंग्लिश का अच्छे से किए जो उसका हार्ड लगता है इंग्लिश का ही सुन लेती हूँ। क्या बोला है उसने इंग्लिश में क्या बोला है भाई इंग्लिश सुन लूँ क्या या फिर बंगाली इसका पापा को बस चैप्टर सुना देती हूँ। चलो तुम कोई भी एक चैप्टर सुना दो। चलो कोई भी एक चैप्टर चलेगा। चलो इंग्लिश सुन लो फिलहाल ठीक है इंग्लिश और कल से वन चैप्टर।